सब्सक्राइब करें YouTube चैनल टेक्समेनिया को और बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्समेनिया। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे टेक न्यूज के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस समय ये ट्रेंडिंग में चल रही है सारी न्यूज़। और जो चीज दोस्तों ट्रेंडिंग में आज उसी की न्यूज में दोस्तों दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको सारे लेटेस्ट टेक न्यूज एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टेक्नोलॉजी विद टेक्समेनिया। सो गाइज, आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है दोस्तों, वो है टिकटॉक, जो है वो रिमूव फाइनली कर दिया गया है प्ले स्टोर से दोस्तों। तो आपने सुना ही होगा कल भी, और दोस्तों प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर से भी दोस्तों ये जो है कम्प्लीटली हटा दिया गया है दोस्तों। जब गवर्नमेंट ने इसे बैन 59 ऐप्स बैन की थी, उसमें से एक टिकटॉक भी था दोस्तों, तो टिकटॉक को रिमूव कर दिया गया है फाइनली ऐप स्टोर से। अब अगर कोई अनऑफिशियली डाउनलोड करता है तो वो तो भाई उसको नहीं रोक सकता गवर्नमेंट, क्योंकि अनऑफिशियली बाकी वैसे उसने बैन कर दिया है जितने भी ऐप स्टोर्स और प्ले स्टोर्स हैं। पर अभी भी क्या होता है दोस्तों, आप जानते ही होंगे एपीके वगैरह के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स जो एपीके देती हैं, सो वहां से अभी भी लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बट फिर भी अभी ये बंद रखा है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा मत करिए, क्योंकि दोस्तों इस बहुत ज्यादा इसमें खतरा हो सकता है दोस्तों आपके डेटा शेयर होने का। और दोस्तों इसी के साथ साथ 59 ऐप्स जो है वो बैन की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से मंडे रात को, और दोस्तों ये रिमूव भी कर दी गई है 59 ऐप्स विद टिकटॉक। अब आप सोच लीजिए कि जो है अब हम लोग को तो नहीं यूज़ करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बताइए इतनी मेहनत करके सरकार जो ऐप्स बंद करवा रही है क्योंकि आप लोग को नुकसान ना हो, और आप उसी को दोस्तों यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपके डेटा शेयर होने का, डेटा लॉस होने का दोस्तों बहुत सारा खतरा होता है, इसलिए ऐप्स को बंद किया गया था। और तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारी जो आज की नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, वो है जियो की तरफ से दोस्तों, जहाँ पे जियो ने 2GB जो एक्स्ट्रा डेटा था उसको बंद कर दिया था। और अब दोस्तों वो क्या है कि अब दोबारा से यही चीज़ सेम चीज़ लॉन्च कर रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा कि देश में कितना ज़्यादा कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसके कारण लोग अपने घर में ही अब रह रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों वो बोर ना हो और जो है वो अपने डेली लाइफ को अच्छे से चला सके, इसलिए 2GB एक्स्ट्रा डेटा अब वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप दोस्तों जियो कस्टमर है तो आप माई जियो के ऐप में देख सकते हैं कि अगर आपके पास, क्योंकि दोस्तों ये जो अभी ऑफर है दोस्तों कुछ सेलेक्टेड यूजर्स के लिए ही है, मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दूं, सिर्फ सेलेक्टेड यूजर्स ही इसको कर सकते हैं। सो अब आप देखिएगा अपने ऐप स्टोर में, सॉरी माई जियो ऐप में आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल हुआ है या नहीं, और ऑफर हो सकता है 2 से 4 दिन के अंदर आ जाए दोस्तों। इसमें क्या होगा, शायद तक नहीं, रिपोर्ट यही बता रही है कि इसमें जो है एग्जिस्टिंग डेटा में जो है कंप्लीट जो 2GB डेटा है वो ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई आपको एड ऑन या एडिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज की नेक्स्ट न्यूज है LG की तरफ से दोस्तों, जहाँ पे LG का हार्मनी 4 मॉडल लॉन्च हो चुका है दोस्तों, जहाँ पे आपको पीछे की तरफ 2 रियर कैमरा देखने को मिल जाएंगे, और इसमें दोस्तों 35 mAh की बैटरी भी है। तो देख ये इसका मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ इस फोन के, कि इसमें कैसा प्रोसेसर, कैसी कैमरे हैं, कितने मेगापिक्सल के, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो अननेम्ड है, यानी अभी तक पता नहीं चला है कि इसका प्रोसेसर कौन सा है, कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है, तो पता नहीं कौन सा प्रोसेसर है भाई, क्योंकि पता नहीं रही है न्यूज़। और दोस्तों इसी के साथ इसमें आपको डुअल कैमरा जो सेटअप मिलता है उसमें प्राइमरी जो मेन वाला कैमरा है दोस्तों वो 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे है, और दोस्तों 8 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा आपको। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो तो अननेम्ड है, बट ये जरूर पता चला है कि इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज किया गया है। अब कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा ये यूज करता है, पता है देखा जाएगा। अब दोस्तों बात आती है इसके प्राइसिंग की, तो दोस्तों इसका प्राइसिंग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में $139, जो कि समथिंग 10,100 रुपीस के समथिंग होता है। तो ये बढ़ घट भी सकता है, क्योंकि इंडिया में एक बार कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस घट भी जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज है रेडमी की तरफ से, जहाँ पे रेडमी का एक नया डिवाइस जो है वो लॉन्च हो सकता है। यही लीक्स दोस्तों, लीक्स में इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो मिले हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको
बताता हूँ। दोस्तों Redmi K40 में यूज किया जाने वाला है MediaTek का MT6889 प्रोसेसर SoC वाला, और दोस्तों इसी के साथ इसमें आपको जो है 4500 mAh की बैटरी भी ये रिपोर्ट्स बता रही है कि मिल जाएगी, और इसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये 3C लिस्टिंग में भी स्पॉट किया गया है ये वाला फोन, क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही होगी 3C में। तो दोस्तों ये जो है बताया गया है कि इसमें 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा विद 4500 mAh की बैटरी। और दोस्तों इसमें आपको फ्रंट में डुअल कैमरा देखने को मिल जाएंगे, पीछे की तरफ आपको चार कैमरा यानी क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको एक और खास चीज देखने को मिल जाएगी जिसका डिस्प्ले रेट जो है 120 हर्ट्ज का है। अब दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि Xiaomi की तरफ से अभी इसको पूरे तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है, बट लीक्स मिली है, तो हो सकता है कि ऐसा डिवाइस आने वाला हो, या हो भी सकता है नहीं आने वाला हो, क्योंकि दोस्तों इसके लॉन्च की अब इतनी सारी चीजें पता है, शायद लॉन्च होने वाला हो। अब आएगा दोस्तों तभी पता चलेगा, और दोस्तों जब लॉन्च होगा तो मैं आपको जरूर एक बार इन्फॉर्म करूंगा। सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट न्यूज दोस्तों आज वो है मोबाइल लॉन्चेस की। दोस्तों आज काफी सारे मोबाइल आपको लॉन्च देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग यहाँ पे Redmi Note 9 Pro, Realme X3, Realme X3 Super Zoom, Realme Narzo 10। तो दोस्तों ये सब चीज जितने भी आज फोन्स हैं वो सेल में आ जाएंगे, यानी 12 बजे दोपहर के 12 बजे, और Flipkart से Realme का होगा और Redmi Amazon से होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें Flipkart जो है Realme X3 और Realme X3 Super Zoom को भी, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आपको Redmi का फोन बस Amazon में देखने को मिलेगा, बाकी Realme के दोनों फोन आपको X3 Super Zoom और Narzo 10 वाला आपको देखने को मिलेगा Flipkart में। तो अब वहां से आप परचेज कर सकते हैं, सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों इनके प्राइसिंग तो आपको पता ही होंगे क्योंकि दोबारा से सेल में आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले भी सेल में आ चुके हैं, तो अगर आपने बाय नहीं किया है तो आज आप बाय कर सकते हैं, 12 बजे दोपहर तक ये जो है फोन लॉन्च हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं आज की लास्ट न्यूज और सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए न्यूज। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि रिमूव चाइना एप्स कैंपेन कितना ज्यादा चला, और जिसकी बात मान के दोस्तों गूगल प्ले स्टोर ने भी जो है काफी सारे जो एप्स उसको रिमूव कर दिया जब गवर्नमेंट ने इन्हें बैन कर दिया, जो कि 59 एप्स है। अब आपके मन में सवाल ये तो जरूर आता होगा कि कौन कौन सी ये एप्स को रिमूव किया गया है, क्योंकि दोस्तों कहीं पे भी आपको सही से लिस्ट ना मिल पाई होगी, कुछ एप्स का नाम लिखा रहा होगा, पूरी लिस्ट आपने अभी तक शायद ना देखी हो। तो मैं आज आपको ऑफिशियली जितनी भी दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी एप्स की लिस्ट दी गई है वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों उसमें से मैं आपको कुछ जो मेन वाली ऐप है यानी बहुत ज्यादा चलने वाली एप्स के बारे में बता दूं। तो सबसे पहला TikTok, जो कि एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म था, उसमें काफी सारे लोग अपना कंटेंट बना के भी काम कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यूसी ब्राउजर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे यूसी ब्राउजर में दोस्तों ब्राउजिंग करते थे, उसी के साथ दोस्तों शेयर इट हो गया, वी चैट हो गया, और दोस्तों बहुत सारे ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं। तो अब आपके मन में आता होगा कि कौन सी चाइनीज ऐप है, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये वाली इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने कितने यहाँ पे पूरे ऐप्स के बारे में आपको बता दिया है जो कि रिमूव की गई हैं, और शायद दोस्तों आगे चल के और भी कुछ रिमूव की जा सकती हैं ऐप जो अनऑफिशियल रूप से अभी तक प्ले स्टोर में चल रही हैं। अब ये बात है कि देखते हैं कि अभी कौन कौन सी ऐप रिमूव होने वाली है। और दोस्तों मैंने एक बात और सोची है कि दोस्तों ये बॉयकॉटिंग चल रही है चाइना की और चाइना के सारे प्रोडक्ट्स की, बट दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Redmi के मोबाइल, Realme के मोबाइल, तो Poco, इतनी सारी ब्रांड्स दोस्तों सब चाइनीज ब्रांड्स हैं और अभी भी उनके फोन्स चल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या यही बॉयकॉटिंग चल रही है, अगर ऐप को बैन किया गया है तो मेरे हिसाब से मोबाइल फोन्स को भी आना बंद करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रखे हो उनको ही हटा दो, बट दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अब आगे से ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों पर्सनली बिल्कुल ऐसे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होने चाहिए, सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि जब बॉयकॉटिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने फोन को फोड़ दो, फोन को फेंक दो या फोन को जला दो, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट दोस्तों अब जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों उनको तो रोकना चाहिए मेरे हिसाब से, तब तो बॉयकॉटिंग कहलाएगी। और आप जो यूज कर रहे हो, आपकी मेहनत का है, आपके पैसे का है, तो आप उसको बिल्कुल यूज करो और जब तक चल रहा है तब तक चलाओ। मैं नहीं कहता कि आप इंडियन फोन बाय करो। फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या यही बॉयकॉटिंग चल रही है, क्या आप सपोर्ट करते हैं इस बॉयकॉटिंग को, तो कमेंट करिएगा। दोस्तों ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टेक्समेनिया।